हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। अभी तक हम टोटल 12 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने बाद सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। उससे क्या होगा कि यह जितने भी क्वेश्चन इसमें 40 to 50 लिए जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अभी तक क्या पेपर आता था, और ये सारे क्वेश्चन क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन एनवायरमेंट के रिपीटेड होते हैं। जो नए क्वेश्चन होते हैं वो स्पेशली जो करंट के मुद्दे होते हैं वहीं से होते हैं, बाकी सारे के सारे रिपीटेड होते हैं। तो ये सारे लेक्चर अगर आप देख लेते तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, और एक टेस्ट जैसा आप टेस्ट लगा रहे होंगे हर लेक्चर के दौरान। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो दृश्य प्रकाश के किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, लाल प्रकाश, जो कि 7 रंगों से मिलकर जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर उसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करें तो किसमें होती है, लाल में, ठीक है, और हरे में सबसे कम होती है। मतलब प्रकाश की बात कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों में होती है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक क्रियाएँ होती है या तीव्रतम, तो लाल प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, सौर स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, सौर स्पेक्ट्रम के समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणें क्या होती है, स्पेशली इसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, एनर्जी जो हमें गर्मी लगती है, या हम ये बोल सकते हैं कि जिससे हम गर्मी का अनुभव करते हैं, वह सारी की सारी अवरक्त किरणें होती है। तो सौर स्पेक्ट्रम की समस्त ऊर्जा के सर्वाधिक भाग का प्रतिनिधित्व करती है तो कौन, अवरक्त किरणें, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। तो कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है, तो 14%, ठीक है, जो 100% आती है सूर्य से, तो 14% वायुमंडल अपने में अवशोषित कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिव किरण के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ समझा होगा कि वायुमंडलीय ऊष्मा का कितने प्रतिशत भाग पार्थिव किरण के रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सेकंड आंसर 23%। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर पर सिलिका, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर आता है आयरन, ठीक है। तो यहाँ तत्व की बात हो रही है। यदि धातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम और दूसरे नंबर पे आयरन, पर यदि तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकंड पे सिलिका, थर्ड पे एल्यूमिनियम और फोर्थ पे आयरन। क्वेश्चनों में अंतर आप बिल्कुल समझिए, तत्व और धातु। तो यहाँ तत्व सबसे अधिक मात्रा में तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। तो धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है, तो आ जाएगा 3/4, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका आंसर। जो 3/4 भाग है पृथ्वी का वह अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि अघुलहास धारा चलती है। तो अघुलहास जो धारा चलती है वह हिंद महासागर में चलती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो जो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर, ये वन है, वैसे ही हो जाएगी वान झील, ठीक है, जो वान झील है उसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सूर्य का प्रभामंडल, ठीक है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रभामंडल के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड आंसर, पक्षाभ स्तरी मेघों में हिमरवों में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन,
जिस अक्षांश पर वार्षिक समांतर, ठीक है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, मतलब जो है कि पूरे साल भर में जहां पर ताप का अंतर न्यूनतम होता है पूरी पृथ्वी पर, तो यह होता है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, जिसको इक्वेटर कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा पर पूरा वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, साफ मेघ रहित रातों में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, मतलब अगर हम इसको और स्पष्टता से बोलते तो हम ये बोल सकते हैं कि जब बादल छाए हुए होते हैं तब गर्मी अधिक लगती है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट इसका आंसर, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी है, ये मेघ छाए हुए, मतलब बादल जब पृथ्वी परावर्तित करती है प्रकाश को, तो ये ऊष्मा को, तो सारी ऊष्मा बादलों द्वारा रुक जाती है, और जिस दिन बादल होते हैं तो हमें अधिक गर्मी लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है, तो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सॉरी 13 गायब है यहाँ से, टाइपराइटर की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद भूल गए हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 कि क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है, तो जो क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ ऑप्शन भी गलत छप गए हैं, तो क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है, तो आप याद रखिएगा बलुआ पत्थरों से, ठीक है, जो बलुआ पत्थरों से या पत्थर से, तो आपको ये याद रखना है कि क्वार्टजाइट कायंत्रित होता है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत छपे हुए हैं, तो आप याद रखिएगा बलुआ पत्थर से होते कायंत्रित क्या, क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो लेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है, तो रेडियो लेरियन किस प्रकार का ऊर्जा है, तो यह है सिलिका प्रधान ऊर्जा है रेडियो लेरियन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, फोर्थ होगा इसका आंसर, वृष्टि छाया का, तो मरुस्थल प्रतिनिधित्व करते हैं किसका, तो वृष्टि छाया का प्रतिनिधित्व करते हैं मरुस्थल, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है, तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है, तो पृथ्वी का पर्यावरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंसर, पृथ्वी का पर्यावरण के का ही महत्वपूर्ण आधार है पृथ्वी पर जीवन का। क्वेश्चन नंबर 18 लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, तो लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, तो आ जाएगा फोर्थ आंसर टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर 19 प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, पतझड़, जहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं वह सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है पूरी पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है, ठीक है, तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंसर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाले वनों वन की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, तो पंपास कहलाता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पंपास और उत्तरी अमेरिका का प्रियरी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, क्या है गलत, तो इसमें आ जाएगा साल वृक्ष, ठीक है, साल का वृक्ष केरल में नहीं पाया जाता, ये गलत है, बाकी सारा सही है, सागवान मध्य प्रदेश में पाया जाता है, चिनार जम्मू कश्मीर में और चंदन कर्नाटक में पाया जाता है, परंतु साल केरल में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23 कि वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान
की गई है, तो जो 23rd हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, फॉर्मेंशन, फॉर्मेंशन की संख्या दी गई है किसको, तो वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा आंसर। 24, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, विसुवती वन बायोम में। ठीक है, विसुवती वन बायोम में सर्वाधिक पाई जाती है क्या, प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर 25, डुयोंग नामक समुद्री जीव जो विलुप्त के कगार पर है क्या है। ठीक है, जो डुयोंग नामक समुद्री जीव जो विलुप्त के कगार पर है क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, स्तनधारी है। ठीक है, डुयोंग क्या है, स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 26, महागनी, रोजबुड तथा अबूनस किस बायोम के वृक्ष है, तो महागनी, रोजबुड और अबूनस किस बायोम के वृक्ष है, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विसुवती वन बायोम है ये। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4, मानसूनी बायोम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है, तो साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष है, तो आ जाएगा मानसूनी बायोम के वृक्ष है साल, सागौन और शीशम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारत का सुंदर वन उदाहरण है, तो जो भारत का सुंदर वन उदाहरण है तो यह जाएगा ज्वारीय वन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, ज्वारीय वन का उदाहरण है भारत का सुंदर वन, सॉरी वैसे होगा ये सदाबहार वन का, है ना, वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कि कौन सा बायोम सबसे कम और विविध जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है, तो कौन सा बायोम सबसे कम और जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा टुंड्रा बायोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रेंडियार किस बायोम का जंतु है, तो रेंडियार है टुंड्रा बायोम का जंतु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो ठीक है क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले, कि अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड आंसर इसका, पिग्मी जनजाति के लोग अपना जो घर है पेड़ों के ऊपर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर तली पर पाए जाने वाले पादप तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, बेंथस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कि वन महाउत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन महाउत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 अगस्त के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, याद रखिएगा 1 जुलाई से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह, सॉरी ये हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, है ना, 1 जुलाई से 7 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 35, लानोज तथा कैम्पोज, ठीक है, लानोज तथा कैम्पोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं, तो लानोज और कैम्पोज किस घास के अंतर्गत आते हैं, तो उष्ण कटिबंधी घास बायोम के अंतर्गत आते हैं, कौन, लानोज और कैम्पोज। क्वेश्चन नंबर 36, कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की गई है, मतलब जो कोणधारी वन है कहाँ पर कनाडा में, उनको काटने वालों को क्या संज्ञा प्रदान की गई है, तो यह आ जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, लंबर जैक। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा लंबर जैक कहते हैं जो कोणधारी वनों को काटते हैं उन लोगों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर
7 कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि जो पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत में इस प्रकार इस विविधता का कारण है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सेकेंड आंसर कि पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून या मानसूनी वर्षा होती है। तो पश्चिमी जो हिमालय है तो पश्चिमी इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, इधर कम, इसलिए यहाँ 3000 मीटर तक जो वनस्पति मिलती है वह यहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई तक प्राप्त होती है। कहाँ? पश्चिमी में। क्वेश्चन नंबर 38, जैतून की फसल है। तो जैतून की फसल है तो भूमध्य सागरी वायु की, ठीक है, भूमध्य सागरी वायु की फसल है कौन? जैतून की फसल। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी बायोम में प्राणी जीवन, ठीक है, किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वनस्पति की संरचना सकल बायोम तथा जातियों के संगठन पर। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा कि किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ? तो किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ? तो यह जाएगा सवाना बायो में, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। तो मित्रों इस लेक्चर में आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी टॉप 40 to 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।